नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं कालंदी कुंज के पास, कंचन कुंज रोहिंग्या कैंप, जहां रोहिंग्या शरणार्थी आके पिछले कई सालों से रह रहे हैं। यहां फिर से एक बार एक आग लगी घटना हुई, जिसमें यहां रहने वाले 53 परिवार और उनके जो 53 घर थे पूरी तरीके से जल के तबाह हो चुके हैं। यहाँ एक भी घर में कोई सामान नहीं बचा है, यहाँ तक कि घर में यूज़ होने वाला राशन से लेके और बाकी जो भी सामान होते हैं सब पूरी तरह से जल के खाक हो चुके हैं। ये घटना शनिवार रात को करीब 11:30 के बीच में बताई जा रही है, जिसके बाद से लोगों में यहाँ एक डर का और दहशत का माहौल है, किस तरह से रहेंगे। ये बहुत यहाँ अधिकतर जो लोग रहते हैं वो मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसके बाद से जो घटना के बाद ना यहाँ लाइट की व्यवस्था या खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से हो रही है और आगे के बारे में अपने जीवन यापन के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं और ये पूरी घटना कैसे घटी, इसके पीछे क्या हुआ और किस तरह कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, इसके बारे में यहाँ रहने वाले लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। 50 जुग्गी पूरा टोटल ख़त्म हो गया, कोई चीज़ निकाल नहीं पाई। कुछ लोग घायल भी हुआ था, वो ठीक हो गए। फायर ब्रिगेड 12:30 के आसपास आया। उसके बाद अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं और क्या इंतजाम हो रहा है, कैसे क्या उसका है? अभी कल रात से ही हम लोग ऐसे ही ना सो पाए हैं, ऐसे ही बैठे रहे, जैसे आप देख रहे हैं उधर कुछ लोग बैठे हुए, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है और इस तरह ही बैठे हैं। वहाँ पे कुछ लोग वहाँ भी बना रहे टम्बो, ऐसा सुनने में आ रहा है पीछे को। सरकार की तरफ से क्या मदद आया कल से लेकर आज तक? दिल्ली सरकार से पानी आया था और एक लीज बनाया गया, जो कितना फैमिली है और कितने लोगों को नुकसान हुआ है कुछ उनमें से मुआवजा के तौर पे हम मदद करेंगे, इस तरह बोला है। तो हम सब लोग सो रहा था 12 बजे, फिर जो समझीदा एक लेडीज है बेगू औरत, उनका घर खाली था, उनको घर से आँख इतना बड़ा होकर जल रहा है पता भी नहीं है। सब लोग सिल्ला रही है, अपना अपना बच्चा लेकर भाग रहा है, किसी ने बादशाह छूट कर भाग रहा है, सब लोग सड़क पे आ गया था। फिर भी हम भी डर के वजह से निकल गया था, जो हमारा सामान वगैरह घर पे जितना सामान था वो जल के बुझा हो गया था। जान का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हम लोग गरीब लोग हैं, थके हुए लोग हैं, हम दिन में काम पर चले जाते हैं, रात में थकान महसूस होता है, तो हम रात को जब शाम को काम से लौटते हैं तो हम बिल्कुल थक जाते हैं, खाना वाना खा के हम जल्दी सो जाते हैं। तो एक आध लोग जो सोते नहीं हैं वो रात को 1-2 बजे तक जगा रहता है, तो उन्होंने कल रात को जब आग देखा था तो 2-3 बंदे ने जब देखा है आग को, तो उस टाइम जो है उन्होंने पहले तो जो है किसी को बुलाया नहीं, पहले आग बुझाने की कोशिश की उन्होंने, बेचारों ने नहीं कर पाया। फिर बाद में जब आग ज़्यादा बड़ा हो गया, आप हवा चल रही थी उस टाइम, तो उस टाइम जो है उन्होंने फिर आवाज़ लगाया कि ये आग तो बुझाने के लायक नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा, ये हम अपनी जान बचाते हैं। फिर सबको बुलाया, एक आध फैमिली को चिल्ला के आवाज़ दिया है, फिर हम सब जागे, देखा कि आग जो है बिल्कुल दो जुग्गियाँ जो है जल गई थी यहाँ से, इस गली से बिल्कुल। तो जब दो जुग्गियाँ जल गई है, हमने सोचा कि आग बुझाने का कोई रास्ता नहीं है, हम बच्चों को लेकर अपनी जान बचा के निकल जाते हैं। कुछ लोगों हमने बुलाया, कुछ लोगों नहीं बुला पाया, कुछ लोग तो अपने आप जागे थे और सब हम भागे, कोई इधर भागे, कोई इधर भागे, कोई खेत की तरफ भागे। भागने के बाद जब हम रोड में चढ़े, कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग इधर हो गए, तब तक यहाँ से जो हमारा जेत खड़े मदनपुर खादर का कंचन कुंज वाला जो हमारा ये बीट वाला है थाना जो पड़ता है हमारा, वहाँ से बीट वाला आया। बीट वाला ने आके फिर फायर फिट वाले को कॉल किया, फायर फिट वाला आए, फिर उन्होंने जब तक फायर फिट वाला आए तब तक 10 मिनट में काम खत्म, तमाम बिल्कुल जल के राख बन गया, सिर्फ यहाँ पे कोयला ही था, बिल्कुल शमशान बन गया, यहाँ पे कुछ नहीं था। सर नुकसान तो हो ही गया, जन बच गया, बाकी सब नुकसान हो गया, जो हमने कमाया था वो सब ख़त्म हो गया, जल के खाक हो गया। हम ऊपर वाला का शुक्र है, हमने जान बचा के निकल पाया बस, बाकी कुछ भी नहीं निकल पाया, हमने एक जूड़ा चप्पल भी नहीं निकल पाया, कुछ भी नहीं। देखो सर, सरकार तो चाहते तो भाई हमें बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन हम आगे जो सोचेंगे कमाई को ऐसे जाया नहीं करने के लिए हमें कोई और डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे झुग्गी में रह रहे के तो जल रहे हैं, 2 बार जल गया, अब 2 बार में कोई खास्ता नहीं हुआ, किसी को इंसान नहीं जला, हो सकता है नेक्स्ट बार में इन सब जल जाए ऐसा भी, क्योंकि आँख का तो मामला है, किसी को तो भूल के तो नहीं जलेगा, तो इसकी वजह से हमें बहुत डर लग रहा है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं तो कैसी अच्छी हमें जगह में लेके जाएं।
सर हम मजदूरी करते हैं, देखो हम ज़्यादातर रोहिंग्या जो होता है ना वो अनपढ़ होता है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने का मौका नहीं था, तो इसकी वजह से हमारे पास मजदूरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। और दूसरा बात, अगर काम मिल जाए भी तो रिफ्यूजी कार्ड से जॉब में नहीं लेते हम लोगों को, तो इसलिए हमें मजदूरी करके गुजारना पड़ता है अपनी ज़िंदगी। दुनिया में हमारा कोई ना नेता है, ना कोई PM है, ना कोई CM है, ना कोई लीडर है, हमारा तो कोई नहीं इस दुनिया में। हम मर जाएं तब भी कोई पूछने वाला नहीं है, हम जिए तब भी कुछ पूछने वाला है, हम भूखा रहें तब भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसे ही है। इसमें आप लोगों का डॉक्यूमेंट भी जल गया होगा? सब जल गया। UNHCR आया था सुबह, UNHCR वालों ने कहा कल परसों में हम तुम लोगों को कार्ड ला के दे देंगे। जी, COVID-19 की महामारी का टाइम हुआ है, लोगों को प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, बहुत सारा कर्फ्यू दिया है लोगों को हिफाजत कर लिए, तो इस तरह का लोगों के साथ जैसे दिल्ली में हो रहा है और जगह में भी, इस तरह का हरियाणा में कैंप जला, जम्मू में कैंप जला, तो हम लोग एक जनसा सर्वाइवर है और यहाँ पर टेम्पोरेरी शेल्टर के लिए आया। इंडिया एक मानवर अधिकार देने की कंट्री माना जाता है, तो इस जगह में इस तरीके का हादसा हो रहा है, इस चीज़ को अगर हुकूमत चाहे तो इस चीज़ से बचा सकते हैं लोगों की अभी फिजिकली मेंटली उनकी जो है साइकोली सब कुछ डिस्टर्बिंग हो रहा है, तो ये जो हम लोगों का जो डिग्निटी की जो मसला है, हम लोगों का जो राइट्स है, रिफ्यूजी राइट्स है, ये जो है इंटरनेशनली की फेलियर की वजह से और नेबर कंट्री का जो सपोर्ट नहीं है, जैसे इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, उनका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होने की वजह से आज हम लोग हर जगह सर्वाइव कर रहे हैं। जिस तरीके ताकतवर मुल्क है इंडिया, चाइना, रशिया, ये लोग हमारे हक के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से आज हम लोग हर जगह मुश्किल में फंसा हुआ है। यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, US, ये जो यूरोपियन यूनियन, जिस तरीके वेस्टर्न कंट्री काम कर रहे हैं, इस तरीके अगर एशिया के अंदर इंडिया हमारे लिए अगर कुछ करता, आज हम लोगों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये जो UP सरकार का जो बिन है, यहाँ का जो पटवारी लोग है, वो हर तरीके आकर हमको कह रहे हैं तुम अपना अपना हट जाओ, नहीं तो हम आपको परेशान करेंगी, गाड़ी लेकर आकर तुम्हारा झुग्गी टूट देंगी, तुम परेशान हो जाओगी, तुम इसीलिए हट जाओ, ये जो बिन खाली कर दो। रूस कहती है, एक दिन पहले वो आकर बता रही है तुम कहाँ से आया था, एक दो मीडिया भी लेकर आया था, तुम कहाँ से आया था, तुम कहाँ का रहने वाला हो, तुम्हारा देश में क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आया, तो उन्होंने हमको सब कुछ पूछ लिया। हम लोग यहाँ से खरिया मुकाम में जाने वाले है, वो मजबूरी काम के वजह से वो खरिया दे नहीं पाऊँगी, इसी वजह से हम लोग खरिया मुकाम में जा नहीं पा रही है, हमारे से खरिया का मुकाम, फिर हमारे बच्चा के लिए हम जाने के लिए अच्छे जगह में अच्छे सरबारिश देने के लिए हम ऐसे नहीं रहना भी चाह रही है, फिर भी हम लोग मजबूरी के वजह से यहाँ पे रहना पड़ रही है, हम लोग एक सेफ्टी वाला जगह चाहिए, अभी हम लोग इतने मेहनत से दिक्कत से हम लोग ऐसे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी, हम लोग थक गए, हमारी ज़िंदगी ऐसी चल रही है, हमारे बच्चा भी ऐसे चल रही है, कुछ पढ़ाई भी आगे भी नहीं बढ़ पा रही है, हमारे दिल में बहुत तमन्ना है आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर, फिर भी हमारे एक बार बार ऐसे हादसा हो रही है हमारे के यहाँ पे, हम लोग मर जीना चाहिए, हम लोग मरने के लिए तैयार है, हम लोग आगे के लिए सर कमाएंगे, बच्चों को रोटी खिलाएंगे, बस ये हमारा कोई इतना लंबा सोच नहीं रखता हम, क्योंकि हमारा तो कभी भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोबारा वापस भेज सकते हैं, कभी भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उन तो वो तो बोल रहे हैं, तो इसकी वजह उसके डर के मारे हम कमाएंगे भी कितने कमा पाएंगे मजदूरी करके, 500 से क्या मिलते हैं आजकल घर, कम से कम गुजारा होता है, दो वक्त के बच्चों को रोटी खिला पाते हैं बस, तो हम क्या करेंगे, तो क्या कर पाएंगे, हम तो इतना एजुकेशन वाला नहीं है जो इंटरनेट से ले के कमाना, ये करना कोई बड़े जॉब लेने, तो हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम अनपढ़ इंसान है। क्या इस इतना बड़ी दुनिया में हमारे लिए इतना जगह नहीं बचा है जो हम अपना सर को छुपा सके, हम अपना ज़िंदगी का एक लम्हा गुजार सके उस जगह में रहकर।